हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स का हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या महत्व है। कॉन्ट्रैक्ट जो है एक बहुत ही क्रुशियल रोल प्ले करता है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ये हमारे जो लीगल एग्रीमेंट होने के कारण हमारे सारी टर्म्स कंडीशंस को डिफाइन करता है, हमारे पार्टीज की एक्सपेक्टेशंस को डिफाइन करता है, हमारे पार्टीज के आपस में जो रिलेशनशिप है, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट में उनकी रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या अपना महत्व है। पहला महत्व है इसका कॉन्ट्रैक्ट का कि क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में एकदम क्लैरिटी आ जाती है और वो अपना जो क्या बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन दे देता है हमारे प्रोजेक्ट स्कोप की, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स की, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स की, प्रोजेक्ट टाइमलाइंस की, प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, सारी पार्टीज की। अब ये जो क्लैरिटी है ये हमारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करती है, डिस्प्यूट के आधार पर नहीं हो पाते हैं। दूसरा महत्व है रिस्क मैनेजमेंट का। ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट है रिस्क को कम करने में, रिस्क का सामना करने में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं कि जो ये पोटेंशियल रिस्क आ रही है, जो भी इशू आ रहा है या स्कोप में चेंजेस आ रहा है या डिलेज आ रहे हैं या अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो ये क्लैरिटी होने के कारण हम जो है रिस्क को कम कर पाते हैं। फिर ये देता है एक लीगल प्रोटेक्शन, क्योंकि क्या ये लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो कि सारी पार्टीज जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है उनके सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनके डिसएग्रीमेंट्स और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ये अपना जो है लीगल प्रोटेक्शन का भी काम करता है। फिर बात करें तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी अच्छा कर देता है। क्यों अच्छा करता है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में सारी पेमेंट्स की टर्म्स कंडीशंस, फाइनेंशियल टर्म्स कंडीशंस, इनवाइजिंग की टर्म्स कंडीशंस, रिपोर्टिंग की टर्म्स कंडीशंस, सारी की चीजें क्लियर रहती हैं। अब ये जो है अपना ये जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है ये हमारे जो प्रोजेक्ट के आउटकम को या प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल आउटकम को थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मेंटेन करती है। अब बात करें कि स्कोप मैनेजमेंट, इससे बहुत बढ़िया हो जाता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमारा स्कोप मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। रीजन क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट में पूरा स्कोप ऑफ द वर्क, डिलीवरेबल्स जो भी एक्सपेक्ट करते हैं हम प्रोजेक्ट से, वो सारे के सारे इसमें शामिल रहते हैं। कोई भी जो चेंज इन द स्कोप आता है और वो कैसे आएगा, किसका अप्रूवल से आएगा, वो भी इसमें क्लियरली मेंशन रहता है। तो स्कोप मैनेज बहुत ही प्रॉपरली हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करते करते। फिर ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्वालिटी को एश्योर करता है। क्यों? इसलिए करता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट होता है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में रहती हैं। तो ये एंश्योर करती है कि जो प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स हैं वो इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस को मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हमारे प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स की क्वालिटी एश्योर्ड रहती है कि क्वालिटी अच्छी आएगी। अब ये जो है इस कॉन्ट्रैक्ट होने से वेंडर और पार्टनर की जो अपना रिलेशनशिप है वो एक बहुत उसको बहुत बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में ही सबके उसमें लिखा रहता है कि भाई इंगेजमेंट वेंडर का कैसे रहेगा, सप्लायर का कैसे रहेगा, सब कॉन्ट्रैक्टर्स का कैसे रहेगा। इससे क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप को बढ़ावा मिलता है। अब ये पॉजिटिव रिलेशनशिप को कैसे बढ़ावा मिलता है? क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस रहती है, ट्रस्ट पर बेस रहती है, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बेस रहती है। इससे क्या कोलैबोरेशन और टीम वर्क को बढ़ावा मिलता है। अब बात करें कि इसका एक और महत्व है कि कंप्लायंस एंड गवर्नेंस। कॉन्ट्रैक्ट में कहते हैं ना कि सब कुछ राइटिंग में होने के कारण जो भी चीज होती है वो लीगल एंड गवर्न रहती है, कॉन्ट्रैक्ट से ही गवर्न की जाती है। तो जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब प्रोजेक्ट में जो भी रिक्वायरमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा गवर्न हो जाती है। तो इस पर इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती है। अब बात करें कि ये चेंज मैनेजमेंट को भी महत्व देता है कि इसमें जो भी चेंजेस होगा वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा कि चेंजेस कैसे होगा, स्कोप में चेंज या शेड्यूल का एडजस्टमेंट है या कोई मॉडिफिकेशन है वो कैसे होगा, किसके अप्रूवल से होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही लिखा रहता है। तो हमारा चेंज मैनेजमेंट भी हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग,
ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका, डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड कीपिंग। कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण जो भी चीज होती है, पूरा एग्रीमेंट होते, जो भी एग्रीमेंट होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, जो भी डिसीशंस होते हैं, ये सब राइटिंग में आ जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, इनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। अब ये जो है ये हमारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए, लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए या ऑडिट में बहुत काम आते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारा जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर हम इसकी क्लैरिटी और रिस्क मैनेजमेंट का वो देख लें और अपना सारी पार्टीज की राइट्स को प्रोटेक्ट करें और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करें, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है हमारे सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट्स में। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर्स में कॉन्ट्रैक्ट्स कितने टाइप के रहते हैं, अलग अलग टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।